हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो। सो आज मैं आपके सामने फिर एक बायो का क्लास टेंथ का जो बायोलॉजी है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग। तो आपके सामने ये दो डायग्राम दिख रहे हैं, जो ये दोनों डायग्राम है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। ये जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये जो डायग्राम है किसका है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। इसे आप एक बार जरूर देखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। और ये जो है ये क्या है, BVI है, क्योंकि ये 2019 के एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, टॉपिक जो है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, ग्लूकोज जो है वो कैसे कैसे ब्रेक होता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम अरेबिक एंड अरेबिक रेस्पिरेशन। क्या पढ़ेंगे, अरेबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे हम इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये काफी इम्पोर्टेंट है, और ये जो है ये क्या है, काफी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रेस्पिरेशन क्या होता है। इससे पहले हमने क्या टॉपिक पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था डाइजेशन इन ह्यूमन बींग। तो उसमें हमने एक स्टेप पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एसिमिलेशन। क्या पढ़ा था हमने, एसिमिलेशन पढ़ा था। तो ये जो एसिमिलेशन होता है उसके बाद जो एसिमिलेटेड फूड होता है उसको हमारा बॉडी क्या करता है, यूटिलाइज करता है। तो ये एसिमिलेटेड फूड जो है ह्यूमन के द्वारा, ये एसिमिलेटेड फूड किस किस काम में यूज होता है, टू मेन पर्पसेस के लिए यूज होता है। एक जो होता है किस लिए यूज होता है, इसको हम लोग एज अ फ्यूल यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, एज अ फ्यूल यूज करते हैं, टू गेट एनर्जी, एनर्जी के लिए हम इसको यूज करते हैं, एज अ फ्यूल टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म। किस लिए, ताकि आपका जो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस है उसको आप परफॉर्म कर सकें। तो टू परफॉर्म वेरियस परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, ये जो आपका रेस्पिरेशन, डाइजेशन और जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस हैं उसको हम यहाँ पे परफॉर्म कर सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, एसिमिलेटेड फूड को हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है, एनर्जी मिले ताकि आप अपना सारा एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। और नेक्स्ट यूज होता है, एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड एज मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। तो किस लिए यूज करता है हमारा बॉडी इसको, ग्रोथ के लिए, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, एंड बॉडी को, बॉडी जो है वो रिपेयर के लिए यूज करता है क्या, एसिमिलेटेड फूड। तो आपको याद रखना है कि एसिमिलेटेड फूड आपका बॉडी टू पर्पसेस के लिए यूज करता है, वन इज एज अ फ्यूल एंड नेक्स्ट आपका बॉडी इसको यूटिलाइज करता है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। सो यहाँ पे हम देखते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये जो ग्लूकोज क्या है आपका फूड, ये आपको फूड क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होके एनर्जी प्रोवाइड करता है। किस फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP क्या है, ATP इज पावर करेंसी ऑफ सेल, करेंसी पावर करेंसी है, यानी आपको ये एनर्जी इसी से प्रोवाइड होता है।
और इसका सिंथेसिस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी जैसे आप क्या करते हो, अपना मनी कहाँ पर डिपॉजिट करते हो, बैंक में। कहाँ डिपॉजिट करते हो, मनी को बैंक में डिपॉजिट करते हो, उसके बाद जरूरत पड़ता है तो उसको विथड्रॉल करके क्या करते हैं हम लोग, उसको यूज करते हैं। तो आपके बॉडी में जो फूड ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी रिलीज करता है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज करता है, और इसी को आपका बॉडी जरूरत के अनुसार यूज करता है। तो समझ लो ये एटीपी क्या है, पैसा है जिसको आपका बॉडी खर्च करता है जब जरूरत पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी फूड से जो एनर्जी रिलीज होगा इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो सिंपली रेस्पिरेशन इज प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से एनर्जी रिलीज करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन। तो इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं सेल के अंदर, और उसको हम क्या करते हैं, उसी ऑक्सीजन को यूज करते हैं फूड से क्या करने के लिए, एनर्जी डिराइव करने के लिए। यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाई बर्निंग फूड एंड एनिमिलेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। और जब यहाँ पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो कुछ वेस्ट हमारा बॉडी बनाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, हमारा बॉडी एलिमिनेट कर देता है। तो सिंपली इस इक्वेशन से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि रेस्पिरेशन क्या है, फूड को जब आपका फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा तो ये क्या करता है, CO2 इज व्हाट, इट इज अ वेस्ट। CO2 वेस्ट है, वाटर बनाता है और एनर्जी बनाता है। ये एनर्जी आपका बॉडी क्या कर लेता है, यूज्ड कर लेता है। तो ये है आपका सिंपल सा, हम रेस्पिरेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। आगे क्या है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीज एनर्जी टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ बॉडी। तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है एनर्जी रिलीज करता है, ये कहाँ पे होता है, हमारे सेल के अंदर, बॉडी के सेल के अंदर होता है। और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इट बिगिंस इन साइटोप्लाज्म, इट बिगिंस इन साइटोप्लाज्म। रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है साइटोप्लाज्म से। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। आगे हम देखेंगे तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। आगे हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन, आगे क्या पढ़ेंगे हम, रेस्पिरेशन इसके बारे में हम पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन क्या है, थोड़ा सा हमने पहले भी देखा, आगे देखते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इंक्लूड्स, रेस्पिरेशन के अंदर दो प्रोसेस आता है, एक ब्रीथिंग आता है और दूसरा क्या आता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग जो है ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, जो आप सांस लेते हो उसी को ब्रीथिंग बोलते हैं। इनहेल करते हैं हम क्या पे, इनहेल करते हैं ओ टू, और एक्सहेल क्या करते हैं यहाँ पे, एक्सहेल करते हैं सीओ टू गैस, इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रीथिंग। और सिंपली आप ब्रीथिंग को डिफाइन कर सकते हो, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ सीओ टू, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं। ब्रीथिंग क्या है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, हवा को अंदर की तरफ इनहेल करना और बाहर की तरफ एक्सहेल करना। तो जब हम इनहेल करते हैं
तो जो गैस इंटेक करते हैं वो ऑक्सीजन गैस, और जो एक्सहेल आउट करते हैं वो क्या होता है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कुछ देखते हैं हम इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, तो रेस्पिरेशन जो है वो कुछ ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। तो जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फिशेस, इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर थ्रू गिल्स। तो इसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कैसे होता है, गिल्स के थ्रू होता है, यानी ऑक्सीजन गैस वो इंटेक करने का और CO2 गैस एक्सहेल आउट करने का। फिश जो है वो क्या यूज करती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन। जो डिसॉल्व ऑक्सीजन वाटर में होता है उसी को फिश क्या करती है, यूज करती है। नेक्स्ट अमीबा है, अमीबा में एक्सचेंज किस प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है, और बाय द हेल्प ऑफ इट्स बॉडी सरफेस। अमीबा में अमीबा जो है वो गैसेस एक्सचेंज कैसे करता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से अपने बॉडी सरफेस के थ्रू। प्लांट में कैसे होता है, स्टोमाटा के थ्रू होता है। प्लांट में स्टोमाटा होता है, उसी के थ्रू प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन गैस इंटेक करता है और सॉरी CO2 गैस इंटेक करता है और ऑक्सीजन गैस क्या करता है, एक्सहेल करता है। ह्यूमन में कैसे होता है, हमारे पास एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स, जिसके थ्रू हम रेस्पायर करते हैं। आगे देखते हैं हम, अब देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन सेल्स में होगा, साइटोप्लाज्म में होता है, बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका अधिकतर रिएक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन को दो भाग में बांटा गया है, एक है अरेबिक और दूसरा क्या है, एनएरोबिक। अरेबिक रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं हम इसको जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो। ये जो डायग्राम है आपके सामने मैंने ये लगाई हूँ यहाँ पे, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज कैसे कैसे स्प्लिट होता है। ग्लूकोज जो आपका क्या है, फूड है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल ये जो होता है वो साइटोप्लाज्म केस में कन्वर्ट होता है, पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो कौन सा प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में, और ये पाइरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल जब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होगा, ईस्ट में। ईस्ट में ये जब क्या होता है, जाता है, और वहां पे पाइरूवेट किस में चेंज हो जाएगा, ईस्ट में, यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा, इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। फिर यही पाइरूवेट जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, यानी फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एब्सेंस हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी, और ये जो होता है ये कहाँ पे होता है, इन ह्यूमन मसल्स, हमारे मसल्स में होता है, तब ये क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनाता है। आप देखते होगे कभी बहुत ज्यादा तेज दौड़ लिया, ठीक है, बहुत ज्यादा आप दौड़ लेते हो तो अचानक से आपके पैर में दर्द होने लगता है, तो उस टाइम क्या होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहां पे हमारा बॉडी क्या बना लेता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है। लैक्टिक एसिड से ही क्या होता है, आपके पैरों में मसल्स क्रैम्प होने लगता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो पाइरूवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये कहाँ पे प्रोसेस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। तो ये आप जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में, और फिर यही इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनाएगा, इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन ह्यूमन मसल्स में होगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रोसेस होगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे, अरेबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन को थोड़ा सा यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन जो है
ये ब्रीथिंग को भी इंक्लूड करता है अपने अंदर प्रोसेस को, और ब्रीथिंग को हम क्या बोलते हैं, इट इज अ व्हाट, इट इज अ ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग जो है क्या है, ब्रीथिंग जो होता है ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। अगर हम बोले रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन क्या है, इट इज अ व्हाट, केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन को हम बोल सकते हैं नॉट केमिकल प्रोसेस, इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस और बायोकेमिकल प्रोसेस। फिर यहाँ पे आपको देखना है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में आपको देखना है यहाँ पे क्या देखना है कि अरेबिक और एनअरेबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। अरेबिक रेस्पिरेशन जो इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, उसको हम बोलते हैं अरेबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन के एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसके बीच में आप देखोगे अरेबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये आपको सबसे पहले जानना है। यहाँ पे अरेबिक रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज आपका, यहाँ पे छोटा सा हम इक्वेशन को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये जब ग्लूकोज है ये कहाँ पे होता है, अरेबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होता है, यहाँ पे आपका ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में जाके ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कौन सा यहाँ पे होगा, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से ये कन्वर्ट होगा किसमें, पाइरुवेट में, पाइरुवेट में कन्वर्ट होके ये क्या बनाएगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड बनाएगा। उसके बाद इसमें क्या होता है, क्रैब साइकिल होता है। क्रैब, ये आपको बुक में दिया है शायद, तो नहीं पढ़ना आपको इसके बारे में। क्रैब साइकिल होता है ये किसमें होगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो ये बनाता क्या है, ये क्या बनाता है, सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O, साथ में क्या बनाएगा, 38 ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये है एटीपी को मैंने पहले बताया, इट इज करेंसी, पावर करेंसी बोलते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ क्या, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये प्रोसेस होता है। किस किस में ये प्रोसेस देखने को मिलेगा, ईस्ट में देखने को मिलेगा। जैसे ईस्ट में क्या होता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, तो ये क्या बनाता है, इथानॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है। यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है ये यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइको लाइसिस, ग्लाइको लाइसिस का प्रोसेस होता है यहाँ पे। फिर ये कन्वर्ट होगा पाइरोवेट में, किस में कन्वर्ट होगा, पाइरो वेट में कन्वर्ट होगा। उसके बाद ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये जो प्रोसेस होगा कहाँ पे होगा, ईस्ट, ठीक है, फर्मेंटेशन का। तो ये क्या बनाता है, क्या बनाता है, ये बनाता है इथानॉल, इथानॉल बनाएगा प्लस क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा प्लस 2 ATP, 2 ATP। यहाँ पे कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, 38 ATP, और ये ओनली प्रोड्यूस कर रहा है 2 ATP। तो ये जो अरेबिक रेस्पिरेशन है वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर आपने देखा, ये तो हमने देखा कि एब्सेंस में और प्रेजेंस में क्या होता है। तो एब्सेंस में जो होता है वो क्या बनाता है, इथानॉल बनाता है, ये प्रोसेस ईस्ट में होता है। प्रेजेंस में क्या होता है, ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP बनाता है। और इन द लैक, जब लैक होगा तो क्या बना देता है, ये लैक्टिक एसिड, क्या बना देता है, लैक्टिक एसिड
आपका बॉडी बनाता है। तो आपको याद रखना है ये जो डिफरेंट पाथवे है ग्लूकोज का, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सो इसको आप जरूर याद रखना, ये 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद आपको थोड़ा सा जानना है कि रेस्पिरेशन प्लांट में कैसे होता है। तो प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है, वो कैसे होता है, प्लांट में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, डिफ्यूजन है। जो प्रोसेस फॉलो करता है वो डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, किसमें, प्लांट्स में होता है। ओके, सो हम देखते हैं यहाँ पे कि प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है। तो प्लांट में आपने, हमने पहले ही देखा प्लांट कैसे गैसेस एक्सचेंज करता है, बाय द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। प्लांट के लीफ में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, उसी के हेल्प से प्लांट में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। तो प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है किस प्रोसेस से होता है, ऑक्सीजन और रेस्पायर करता है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमाटा के हेल्प से। स्टोमाटा के हेल्प से क्या करता है, प्लांट में गैसेस एक्सचेंज होता है। प्लांट में गैसेस एक्सचेंज होता है, प्लांट में रेस्पिरेशन होता है ये किसके थ्रू होता है, प्लांट में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, स्टोमाटा के थ्रू होता है। स्टोमाटा क्या है, ये एक छोटा छोटा पोर है, ठीक है। तो प्लांट के रूट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है, रूट जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो मिट्टी के बीच में, सपोज ये सॉइल्स है और सॉइल्स के बीच में ये जो गैप्स है इसमें जो एयर है, इसी को रूट क्या कर लेता है, क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है। तो रूट जो है वो एब्जॉर्ब करता है कहाँ से, ऑक्सीजन जो सॉइल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो स्टेम होता है, स्टेम में क्या प्रेजेंट होता है, लेंटिसेल्स स्टेम में प्रेजेंट होता है, लेंटिसेल्स प्रेजेंट होता है, इसी से जो स्टेम है वो क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज ऐसे होता है। फिर लीफ में तो हमने पढ़ा ही, पहले ही बताया लीफ में मैंने कि लीफ में जो होता है गैसेस एक्सचेंज वो किसके थ्रू होता है, स्टोमाटा के थ्रू होता है। तो ये था, थोड़ा सा जानना था आपको, ज्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, आपके एग्जाम में वैसे ये पूछा नहीं जाता है। कुछ जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग बताया फिश कैसे रेस्पायर करती है, गिल्स रेस्पायर करती है, उसके बाद अमीबा में डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है, उसका बॉडी सरफेस होता है वही, उसी के थ्रू गैसीय एक्सचेंज होता है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे आगे वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन में रेस्पिरेशन। तो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, लंग्स है। हम जो सांस लेते हैं वो कैसे लेते हैं, यानी गैसेस एक्सचेंज, CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है वो हमारे पास वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके थ्रू। उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, लंग्स है। इन लंग्स द गैसेस दैट इज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड एयर। तो लंग्स में ही आपका गैसेस एक्सचेंज होता है। ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, जो आप सांस लेते हो तो इसमें क्या इंक्लूड होता है, एक इनहेलेशन यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन यानी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन, इसको हम मिला के बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं वन ब्रीथ और ए ब्रीथ। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में ये जो आपका ब्रीथिंग प्रोसेस है
इसके मैकेनिज्म में जो इन्वॉल्व होता है वो ये दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में। तो ब्रीथिंग इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ रिब केज, आपकी जो रिब्स हैं वो उसमें मूवमेंट होता है और डायफ्रैगम में मूवमेंट होता है। सपोज ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम है और यहाँ से ये जो हड्डियाँ ज्वाइंट होती है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिब केज। ठीक है, ये रिब केज, जब आप सांस लेते हो सांस छोड़ते हो इसी में चेंजेस होता है ये। और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से क्या होता है, डायफ्रैगम होता है। ये डायफ्रैगम थोरासिक कैविटी और एब्डोमेन को अलग करता है, थोरासिक या फिर चेस्ट कैविटी, आपका चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन को सेपरेट करने वाला ये लाइनिंग को हम कहते हैं क्या, डायफ्रैगम। तो आगे देखते हैं हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में होता क्या है। जब आप इनहेल करोगे, इनहेल यानी ब्रीथिंग इन, अंदर की तरफ जब सांस लोगे तो इस प्रोसेस में क्या होगा, ब्रीथिंग इन अंदर की तरफ सांस ले रहे हो, द थोरेसिक और चेस्ट कैविटी एक्सपेंड। जब अंदर की तरफ आप सांस लेते हो तो आपका थोरेसिक और चेस्ट कैविटी क्या होता है, एक्सपेंड होता है यानी फुल जाता है। और रिब्स ये आपकी जो हड्डियां हैं, आपका जो आप अपना चेस्ट देखोगे सांस अंदर की तरफ लोगे तो वो फुल सा जाता है। और ये हड्डियां जो है इसके बीच में ये रिब्स क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाती है। डायफ्रैगम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ये जो डायफ्रैगम है वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और वॉल्यूम्स ऑफ लंग्स इंक्रीज, और आपका लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे आप एयर जब मतलब हम जब सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में क्या जा रहा होता है, ऑक्सीजन जा रहा होता है। तो इससे लंग्स का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है, एक्सहेलेशन है। एक्सहेलेशन यानी सांस बाहर की तरफ छोड़ना। तो आप ये खुद करके देख सकते हो, जब आप इनहेल करते हो तो आपका जो चेस्ट है वो क्या हो जाता है, फुल जाता है। और इसकी जो रिब्स होती है वो भी ऊपर की तरफ उठ जाती है। डायफ्रैगम जो नीचे ये वाला जो डायफ्रैगम पार्ट होता है ये फ्लैट हो जाता है। और आपका जब ऑक्सीजन भर जाता है तो चेस्ट क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। एक्सहेलेशन में क्या होगा, थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, ये देख रहे हो आप इसमें गैप है, लेकिन ये क्या हो जाता है, सड़ जाता है। और उसके बाद रिब्स मूव डाउनवर्ड, और ये जो रिब्स है वो नीचे की तरफ मूव कर जाती है। डायफ्रैगम क्या हो जाता है, ये डोम शेप का हो जाता है। तो ये रिलैक्स्ड हो गया, ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है जब हम अंदर की तरफ ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और ये जब एक्सहेल आउट कर देते हैं तो ये नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज एंड एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स। एक्सहेलेशन में यही होता है कि जब आप सांस बाहर की तरफ छोड़ देते हो तो आपका जो वॉल्यूम है लंग्स का वो डिक्रीज हो जाता है। फिर आगे क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन जो ऑर्गन्स है क्या क्या है, यानी आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किन किन ऑर्गन से मिलके बना हुआ है। तो पहले आपका नाक, नोज आता है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में के अंदर। नेसल पासेस, आप जो नाक से हवा लेते हो वो दो होल, नॉस्ट्रिल ये वाला जो एरिया होता है इसी को हम बोलते हैं नेसल पासेस। उसके बाद आपका ये ट्रैकिया आता है इसके अंदर, फिर क्या आता है, ब्रोंकाई अंदर आता है। उसके बाद ये आपका क्या है, लंग्स है, और ये वाला पार्ट डायफ्रैगम। ये सब मिला के बनता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। पासेस ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से होके ही आप यहाँ से नाक से हवा अंदर की तरफ इनहेल करते हो, यहाँ से पास होता हुआ ये जाता है आपका ट्रैकिया से होता हुआ ब्रोंकाई में, और फिर यहाँ आपके लंग्स तक एयर पहुँचता है। तो ये एक क्या है, फ्लो चार्ट है कि हवा कैसे कैसे, यानी ऑक्सीजन, एयर बोलने का मतलब क्या है, O2 गैस कैसे कैसे आपके लंग्स तक पहुंचता है। नॉस्ट्रिल यानी नाक का जो छेद है आप उससे एयर इनहेल करते हो, फिर ये नेसल पासेस में जाता है, फिर वहां से नेसल कैविटी में, फिर जाता है कहाँ पे, फेरिंक्स में, फेरिंक्स से लैरिंक्स, लैरिंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर ये रेड रेड जो लंग्स वाला पार्ट है वहां,
और उसके बाद ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलर सेट एंड लास्ट में आपका बॉडी इसको क्या कर लेता है, ब्लड कैपिलरीज जो उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। तो ये एक छोटा सा क्या है, फ्लो चार्ट है, जिससे हमको पता चलता है कि जो हम ऑक्सीजन गैस इनहेल कर रहे हैं वो कैसे कैसे हमारे बॉडी के अंदर जाता है। तो पहले नॉस्ट्रिल, फिर नेसल पासेज, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर सेट एंड व्हाट, ब्लड कैपिलरीज। एल्वियोलर सेट क्या होता है, इस तरह का बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये बहुत सारा बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसमें बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है जो ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसमें रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल में क्या होता है, हेमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन गैस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सो इसको अब हम देखते हैं। तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्या करते हैं हम क्या करते हैं, एयर इज टेकन इन इन थ्रू नॉस्ट्रिल, हम हवा नाक के थ्रू इनहेल करते हैं, और द एयर इज फिल्टर्ड विद व्हाइल पासेस थ्रू द नॉस्ट्रिल बाय फाइन हेयर एंड म्यूकस दैट लाइन द पासेज। तो आप अपने नाक में देखे होंगे बाल, आपका ये जो नोज है इसमें क्या होता है, बाल होता है, ठीक है। अंदर की तरफ जो नॉस्ट्रिल होता है, नाक का छेद क्या होता है, दो होता है, आपको में टू नॉस्ट्रिल है, उसमें आपने देखा होगा छोटा छोटा हेयर्स होता है और म्यूकस भी होता है। म्यूकस यानी चिपचिपा येलो कलर का जो चीज होता है उसको हम म्यूकस बोलते हैं। तो जब आप एयर को इनहेल करते हो तो जो डस्ट पार्टिकल हवा के साथ जा रहा है वो आपका नाक का जो बाल है, ठीक है, जो हेयर्स है वो उसको क्या कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। और म्यूकस जो फिर भी चला गया डस्ट पार्टिकल, तो म्यूकस जो लिक्विड और स्लिपरी होता है उसमें वो डस्ट क्या हो जाता है, चिपक जाता है। फिर हम हेयर को क्या कर पाते हैं, इनहेल। तो नॉस्ट्रल से फिर एयर जाता है, कहाँ पे जाता है, थ्रोट में जाएगा। थ्रोट से वेयर रिंग ऑफ कार्टिलेज और पासेस आर प्रेजेंट टू इंश्योर द एयर पासेस डस नॉट कोलैप्स। तो आप जब देखोगे ट्रैकिया का डायग्राम, तो ट्रैकिया में इस तरह का सी शेप रिंग लाइक कार्टिलेज बना हुआ होता है जो इसको कोलैप्स होने से बचाता है, फिर हवा इसमें फास्ट होता है। ये जो होता है वे कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज क्या है, फ्लेक्सिबल, क्या है, फ्लेक्सिबल बोन बोल सकते हैं हम लोग इसको। ये फ्लेक्सिबल बोन होता है और जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। एयर रीचेस लंग फ्रॉम द थ्रोट, फिर वहां से लंग्स कहाँ जा, एयर कहाँ जाता है, लंग्स तक जाता है, फिर वहाँ डिवाइड, फिर उसमें जो होता है इस तरह का पतला पतला डिवीजन होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ तक आपका क्या होता है, उस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्वियोली। इस एल्वियोली में हवा क्या होता है, जो एयर होता है ऑक्सीजन, उसको उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि वेयर गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है, तो गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई में होता है। ये आप इम्पोर्टेंट है याद रखना कि गैसेस एक्सचेंज ह्यूमन में कहाँ होता है, एल्वियोलाई में होता है। इस एल्वियोली में क्या होता है, मैक्सिमाइज, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन को हमारा बॉडी एब्सॉर्ब कर सके, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो उसमें उसका बड़ा स्पेशल टाइप का बनावट हम बोल सकते हैं होता है, ताकि हम मैक्सिमम ऑक्सीजन गैस को क्या कर सके, हमारा बॉडी एब्सॉर्ब कर सके। तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मिलियन ऑफ एल्वियोली इन लंग्स। इस हमारे लंग्स में क्या होता है, मिलियंस ऑफ एल्वियोली होता है, कितना होता है, मिलियंस ऑफ एल्वियोली बना हुआ होता है जो इस तरह का बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब इसमें क्या होता है, हवा एंटर करता है तो ये फूल जाता है, तो ये ज्यादा सरफेस एरिया देता है एब्जॉर्प्शन के लिए। आप ये देख रहे हो, ये ट्रैकिया जो था ये डिवाइड हुआ, और डिवाइड होकर क्या बना,
ट्रैकिया डिवाइड होके बन जाता है क्या? ब्रोंकस। ये जो पार्ट है ये एक सिंगल ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ये बन जाता है क्या? ब्रोंकस बन जाता है। और वही ब्रोंकस फिर और इसके अंदर आप देख लो, ये व्हाइट व्हाइट डिवीजन, ये ब्रोंकियोल्स बन जाता है। और फिर ब्रोंकियोल्स के एंड में आपको ये बैलून जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो बैलून जैसा स्ट्रक्चर है, ये बैलून जैसा इस तरह का गोल गोल स्ट्रक्चर होता है, इसी में आपका ऑक्सीजन गैस क्या होता है, आपका बॉडी एब्सॉर्ब करता है। तो ब्रोंकियोल्स के एंड में होता है क्या? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को हम बोलते हैं एयर सैक्स भी बोलते हैं। यहीं पे ऑक्सीजन गैस क्या होता है, एब्सॉर्ब करता है आपका लंग्स। तो इसमें मिलियंस ऑफ क्या होता है, एल्वियोलाई आपके लंग्स में होता है, और जिसके कारण एक लार्ज सरफेस लार्ज एरिया मिलता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। इसमें बहुत सारा मिलियंस ऑफ है, मीन्स आप सोच सकते हो कि जब हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं तो ये मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई ऑक्सीजन गैस को एब्सॉर्ब कर रहा होता है। और उस एल्वियोलाई में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है, आरबीसी यानी आपका रेड ब्लड सेल क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को एब्सॉर्ब कर लेता है। क्योंकि आरबीसी में क्या होता हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन गैस को एब्सॉर्ब करता है। अगर आप इस एल्वियोलाई को, ठीक है, टू लंग्स, दो लंग्स में जितने एल्वियोलाई है उसको अगर हम खोलेंगे तो ये 80 स्क्वायर मीटर क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर मीटर एरिया बन सकता है, कवर्ड करता है। तो आप सोचो कि कितना बड़ा सरफेस एरिया है ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन के लिए। उसके बाद यहीं पे आगे क्या होता है, फिर यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। जो मैंने बताया आपको कि ब्लड वेसल्स एल्वियोलाई में बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है। सपोज ये एक एल्वियोलाई है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स है जो ऑक्सीजन गैस को क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग एयर इज सक्ड इन टू लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंड एल्वियोलाई। तो एक्सपेंड एल्वियोलाई जो आप सांस ऐसे इनहेल किए हो तो ये क्या हुआ, फुला हुआ है, ठीक है, एक्सपेंड है, तो इसमें एयर आके भर जाता है। द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन बाय द ब्लड वेसल्स, और उसको ब्लड वेसल्स क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है। और यहीं पे जो CO2 वेस्ट है आपका वो क्या हो जाता है, एक्सहेल्ड आउट होता है, ठीक है, कलेक्टेड फ्रॉम द ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी इन एल्वियोलाई। तो यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है वो एल्वियोलाई में हो रहा है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन बॉडी टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी आरबीसी में क्या है, हेमोग्लोबिन पिगमेंट है जो क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब क्या कर रहा है आपका ऑक्सीजन गैस। फिर उसके बाद ये आपके ऑल बॉडी पार्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो जब हम गैस को इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है, इनहेल एयर में ऑक्सीजन होता है उसका परसेंटेज क्या होता है, 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, 0.04% ऑफ CO2, और वाटर वेपर क्या होता है, लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लेकिन एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन गैस जो होता है वो 16.4% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 4.4%, एंड वाटर वेपर बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो ये क्या परसेंटेज है, अगर आप एक गैस इनहेल कर रहे हो तो उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना, कार्बन डाइऑक्साइड का इतना, वाटर वेपर थोड़ा मात्रा में, एक्सहेल्ड कर रहे हैं तो हम उसमें 16.4% ऑक्सीजन, 4.4% ऑफ CO2 एंड लार्ज अमाउंट ऑफ व्हाट, वाटर वेपर करते हैं एक्सहेल्ड आउट। यहाँ पे ब्रीथिंग रेट किसको बोलते हैं हम लोग, ब्रीथिंग रेट क्या होता है, तो द एवरेज ब्रीथिंग रेट
एक एडल्ट मैन का जो होता है वो रेस्ट पोजीशन में होता है कितना, 15 to 18 times, 1 मिनट में, पर मिनट, पर 1 मिनट में अगर आप रेस्ट पोजीशन पे हो और एडल्ट हो तो आपकी जो ब्रीथिंग रेट होगी वो 15 से 18 times होगा। लेकिन आप अगर एक्सरसाइज कर ले रहे हो, दौड़ के आ रहे हो, ठीक है, खेल के आ रहे हो, तो आपका जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी हम ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट होता है बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम हमारे बॉडी को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी ऐसे सांस लेते हैं ताकि हमारे बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का वो फुलफिल हो पाए। एक और यहाँ पे आपने सुना होगा कि अगर किसी को हेमोग्लोबिन की कमी है, किसी के बॉडी में अगर हेमोग्लोबिन की कमी है तो वो क्या होगा, वो उसका जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड का वो बहुत कम होगा। हेमोग्लोबिन कम है यानी उसका बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब उसका बॉडी कम करेगा, तो जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कम होगा तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, टायर्डनेस होगा और एनर्जी की कमी होगी, क्योंकि आपका बॉडी ऑक्सीजन के साथ फूड जो है कंबाइन होके ही आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एक चीज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक पॉइजनस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है जिसके कारण अगर, ठीक है, सपोज जैसे धुआं, ठीक है, धुआं हुआ में आप रहते हो तो आपको सफोकेशन होने लगता है, तो वहां पे जो गैस रिलीज होता है, मतलब जो फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, धुआं देता है, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होता है, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है बहुत पॉइजनस होता है, इजिली आपके ये हेमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, वो हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है, और ये क्या है, काफी लीथल गैस है, जानलेवा गैस है। इसका बाइंडिंग कैपेसिटी जो है क्या है, हेमोग्लोबिन के साथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए ये ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचाने देता है और अदर पार्ट तक, और हम तुरंत वहां पे मर जाते हैं, ठीक है। सपोज किसी को एक कमरे में, ठीक है, कमरे में बंद कर दिया गया और वहां पे धुआं जला के छोड़ दिया तो वो आदमी मर जाएगा, क्योंकि उसका जो ऑक्सीजन, ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो क्या करेगा, उसके हेमोग्लोबिन उसका क्या करता है, उसको इजली वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा, फिर ऑक्सीजन उसके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा और इस केस में वो आदमी और वो इंसान क्या होगा, मर जाएगा। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है अकॉर्डिंग बार बार पूछा जाने वाला, वो पाथवे जो मैंने आपको बताया, वेरियस पाथवे ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन होता है उसका वेरियस पाथवे क्या है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है हाउ आर लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हमारा जो लंग्स है वो किस तरह से डिजाइन हुआ है, तो आपका जो लंग्स है ये इस तरह से, ये क्या है, ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है, फिर यहाँ से इस ट्रैकिया में क्या हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, जब पार्टीशन हो जाता है तो क्या बनता है, ये जब पार्टीशन हो जाता है तो ये बन जाता है ब्रोंकस, ठीक है, ये क्या बन गया आपका, ब्रोंकस बन गया, ये ब्रोंकस इस तरह से बन गया, फिर यहाँ से क्या बनता है, ये आपका क्या है, दिस इज लंग्स, ठीक है, यहीं पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये आपका लंग्स है, फिर यहीं से ये जो लंग्स में हम लोग का क्या है, ब्रोंकस, ब्रोंकस फिर फर्दर डिवाइड हो क्या क्या बनेगा, ब्रोंकियोल्स बनेगा, यानी इसमें और इस तरह का स्प्लिटिंग होगा, इस तरह से स्प्लिटिंग होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, ये यही को इसी को हम बोलते हैं क्या, एल्वियोलाई, ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर स्पेशली आपके
लंग्स में एरिया को क्या किया गया, मैक्सिमाइज करता है। जब आप सांस लेते हो तो ये इस तरह का फूल जाता है बैलून लाइक। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है। जब हम ऑक्सीजन गैस इसमें लिए तो इसमें आके फिल हो गया, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स है तो RBC रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन होता है जो इस ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेगा, और यहाँ से CO2 गैस क्या होके बाहर हम एक्सेल आउट कर देते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है आपसे, डिफरेंस शायद ही कभी आता है। उसके बाद डिफरेंट दो ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, डायग्राम आप देख लेना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। थोरासिक और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, डायफ्रैगम। क्या बोलते हैं, डायफ्रैगम बोलते हैं। लंग्स होता है ये एल्वियोली को हम लोग एयर सेक भी बोलते हैं, एल्वियोली को एयर सेक भी कहा जाता है। तो यहाँ से दो इम्पोर्टेंट बनने वाला क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। मैकेनिज्म पूछा नहीं जाता है, जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया। सो आई होप आपको ये जो डिस्कशन है अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो टॉपिक अच्छे से, और आपकी प्रिपरेशन मेरे ख्याल से अच्छी चल रही होगी, और ये जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो आपके प्रिपरेशन में आई होप। फिर मैं आपके सामने आपके साथ मिलूंगी जल्द ही नया एक वीडियो लेके, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता हो, हेल्पफुल है आप लगे आपके एग्जाम के लिए, तो इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे साथ पढ़ें क्लास 10th का बायोलॉजी। मैं आपके आने वाले 2021 एग्जाम में जो बायो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करूँगी, एंड डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर एंड लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फ्रेंड्स।